दोस्तों 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि होती है, क्योंकि इसी दिन महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। हम सभी को बाबा साहेब के राजनैतिक और सामाजिक जीवन के बारे में बहुत सी जानकारी है, जैसे कि उन्होंने अछूतों के लिए किया हुआ काम, गोलमेज परिषद, पूना करार, भारत की राज्य घटना का लिखान या फिर 14 अक्टूबर को ली हुई बौद्ध धम्म की दीक्षा। इन सभी घटनाओं के बारे में हर कोई जानता है, मगर उनके जीवन के आखिरी दिनों के बारे में कोई नहीं जानता। बाबा साहब ने इतनी जल्दी अपनी मृत्यु के बारे में शायद ही सोचा था, लेकिन इस महामानव को अपनी मृत्यु की आहट सुनाई देने लगी तब इन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन अपने सबसे प्रिय ग्रंथों के साथ ही बिताए। और बाबा साहब के इन आखिरी दिनों के बारे में किसी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताते हैं कि बाबा साहब के जीवन के आखिरी 6 दिन कैसे गुजरे और अपनी मृत्यु से पहले बाबा साहब के जीवन में क्या क्या घटना हुई थी। बाबा साहब के आखिरी 6 दिनों के बारे में जानने के बाद आपको उनकी महानता का कद कितना ऊंचा था इसके बारे में पता चल जाएगा। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने लाखों अनुयायी के साथ नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। उसके दूसरे ही दिन उन्हें नागपुर महापालिका की तरफ से मान चिन्ह देकर गौरवान्वित किया गया। इसी प्रसंग पर उन्होंने भाषण करते हुए पंडित नेहरू के घातकी साम्यवाद और स्वेज कैनल के राष्ट्रीयकरण करने के निर्णय पर जोरदार विरोध जताया। इसके बाद 16 अक्टूबर को धम्म दीक्षा के कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए वे चांदा शहर चले गए, लेकिन वहां उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और चांदा के धम्म दीक्षा कार्यक्रम से बिना कोई भाषण किए वे वापस लौट गए। 18 अक्टूबर को वे नागपुर पहुंचे और तुरंत वहीं से माई साहेब अम्बेडकर और नानक चंद रत्तू इनके साथ हवाई जहाज से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंचने के बाद भी उन्होंने तबीयत खराब होने के बावजूद बिल्कुल आराम नहीं किया। 1956 यह साल बौद्ध धम्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी साल भगवान गौतम बुद्ध के जन्म को 2500 साल पूरे हुए थे और इसीलिए यूनेस्को ने पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की जयंती मनाने का निर्णय लिया था और इसी के चलते नेपाल में 4वीं बौद्ध धर्म परिषद बुलाई गई थी और सहजिक ही बाबा साहब को इस परिषद का आमंत्रण दिया गया और उन्होंने भी इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसी परिषद में उन्होंने अपने विचार दुनिया के सामने रखते हुए कार्ल मार्क्स और बुद्ध इस विषय पर भाषण किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म हिंसा का प्रतीक है और भगवान बुद्ध का विचार अहिंसा पर टिका हुआ है, इसलिए बौद्ध धर्मियों को कार्ल मार्क्स से और कम्युनिज्म से दूर ही रहना चाहिए। इस तरह से नेपाल की बौद्ध परिषद में अपना लोहा मनवा कर वो वाराणसी के मार्ग से दिल्ली वापस आए। 1 दिसंबर 1956 को वापस आने के बाद उन्होंने अपने दिल्ली में बनाए हुए बुद्धिस्ट आर्ट प्रदर्शन को नानक चंद रत्तू और समाज सेवक सोहनलाल शास्त्री के साथ भेंट दी। इसके बाद दिन भर उनका कार्यक्रम व्यस्त रहा और उसी दिन उन्होंने दिल्ली में आयोजित तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के सत्कार समारोह में उपस्थिति दिखाई। इसी कार्यक्रम में बाबा साहब अनेक विद्वानों से धर्म के ऊपर बहुत देर तक चर्चा करते हुए नजर आए। 1 दिसंबर की रात को उन्होंने अपने सहायक नानक चंद रत्तू को बड़ा ही भावपूर्ण और अचंभित करने वाला सवाल पूछा। उन्होंने रत्तू को पूछा कि जो ग्रंथ मैं लिख रहा हूँ वो मेरे जीते जी प्रकाशित होंगे या फिर मेरे इस दुनिया के जाने के बाद। शायद उस दिन उन्हें आगे घटने वाली महाभयंकर घटना का हल्का सा अंदाजा लग चुका था और अपने खुद के महापरिनिर्वाण दिन के लिए उन्होंने मन को पूरी तरह तैयार कर लिया था। 3 दिसंबर को उन्होंने अपने सारे लिखे हुए ग्रंथों को टाइप करके पूरा किया और अपने ग्रंथों को पूरा करने के बाद वे अचानक अपने बीमार पड़े माली को देखने के लिए उसके रूम में चले गए। बाबा साहब को अपने रूम में आया हुआ देखकर वो माली भावपूर्ण होकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि आज भगवान खुद उसके घर पर पधारे हैं। उसे समझाते हुए बाबा साहब ने कहा, ऐसे रोने से क्या होगा भला, आज न कल मुझे भी यह दुनिया छोड़कर जाना ही है, मृत्यु किसी को भी टला नहीं।
वास्तविक बाबा साहब इस प्रकार की बातें कभी नहीं करते थे, लेकिन उस दिन इस तरह की बातें उनके मुंह से सुनकर हर कोई अचरज में था। 4 दिसंबर को बाबा साहब पूरा दिन अपने घर पर ही थे। उन्होंने अपने लिखे हुए बहुत से पत्रिकाओं पर और लिखे हुए लेखों पर अपने स्वाक्षरिया की। उसके बाद उन्होंने आचार्य अत्रे और एसएम जोशी इन लोगों को पत्र लिखे। पत्र लिखकर भेजने के बाद उन्होंने अपने रिपब्लिक पार्टी के ध्येयों के बारे में 15 पन्नों का लेख भी लिखा। 5 दिसंबर को उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आखिरी ग्रंथ बुद्ध और मार्क्स का कुछ भाग लिखने की कोशिश की, लेकिन तबीयत की वजह से वह लिखने में असमर्थ थे। बाबा साहब दिन भर ग्लानी की अवस्था में थे और उनकी यह हालत नानक चंद रत्तू को देखी नहीं गई, और रत्तू ने बाबा साहब को रात के खाने के लिए आग्रह किया। बाबा साहब ने पहले तो मना कर दिया, मगर रत्तू ने उनकी एक ना मानी और बाबा साहब को भोजन के लिए ड्राइंग रूम से भोजन के हॉल में ले जाने लगा। बाबा साहब के ड्राइंग रूम में उन्होंने आजीवन पड़े हुए ग्रंथों का भंडार था। उन ग्रंथों में सभी प्रकार के ग्रंथ थे, धर्म जाति से लेकर विज्ञान, समाजशास्त्र, तत्वशास्त्र, अर्थशास्त्र और बहुत सारे प्रकार के महान और दुर्लभ ग्रंथों की संपदा उनके ड्राइंग रूम में थी। बाबा साहब ड्राइंग रूम से जाते जाते अत्यंत भावभीनी और नम आंखों से अपनी ग्रंथ संपदा को आखिरी बार देखने लगे, मानो जैसे उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि आज के बाद उन्हें अपनी ग्रंथ संपदा को देखने का मौका नहीं मिलने वाला। और वह आखिरी बार उनकी तरफ देखते देखते ड्राइंग रूम से बाहर चले गए। उस रात को बाबा साहब ने नानक चंद रत्तू के आग्रह की वजह से थोड़ा सा ही भोजन किया, और भोजन के बाद वे अपनी ग्रंथ संपदा के साथ थोड़ी देर वहीं पर बैठे रहे। थोड़ी देर बैठने के बाद वहां से उठते हुए उन्होंने चल उठा ले कबीरा तेरा भवसागर डेरा ये दोहा जोर जोर से गुनगुनाना शुरू किया। नानक चंद रत्तू उनकी तरफ अचरज से देखने लगा, क्योंकि इससे पहले कभी बाबा साहब ऐसा गुनगुनाया नहीं करते थे। इसके बाद वे अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अपने बिस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने बाजू में टेबल के ऊपर रखे हुए कुछ ग्रंथों को फिर से पढ़ना शुरू किया। बहुत पढ़ने के बाद उन्होंने ग्रंथों को टेबल पर रख दिया और सो गए। इस तरह से 5 दिसंबर को इस महामानव के जीवन का आखिरी सूरज डूब गया। 5 दिसंबर को यानी अपने जीवन के आखिरी दिन भी तबीयत बुरी तरह से खराब होते हुए भी इस महामानव ने दिन भर और रात के लगभग 12 बजे तक अपनी ग्रंथ संपदा पढ़ने में वक्त गुजारा। कहा जाता है बाबा साहब देर रात तक ग्रंथ पढ़ रहे थे, और उसके बाद 6 दिसंबर की सुबह उन्होंने अपनी आंखें सोने के लिए बंद कर ली, वह भी फिर कभी न खोलने के लिए।